इस लेसन में हम सिलेक्शन के बारे में जानेंगे। तो कैसे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हम सबसे पहले डेटा एक्सेस और मल्टी ग्रिड सैंपल्स वाली सैंपल ड्राइंग्स ओपन कर लेंगे। उसमें सबसे पहले सिलेक्ट करने के लिए ठीक है, जब सबसे पहले ऑप्शन में जाऊंगा एंटर, और यहाँ पर सिलेक्शन में सिलेक्शन प्रीव्यू ऑन रखना है, ठीक है। व्हेन कमांड इज एक्टिव व्हेन नो कमांड इज एक्टिव, ठीक है। ये व्हेन नो कमांड इज एक्टिव हमें सिलेक्शन प्रीव्यू में ऑन रखा है, ऑन रखना है। ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है जब हम इंस्टॉल कर देना है, तो अगर ना हो तो ये ऑन कर ले ताकि हम इसे इजीली समझ सके। सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास रेगुलरली दो विंडो होती है। अगर हम राइट से लेफ्ट सिलेक्ट करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा तभी वो हाईलाइट होगा, ठीक है। पूरा नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। और लेफ्ट लेंगे तो जिस चीज को भी ये बाउंड्री टच होगी वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। फिर से अगर इस तरफ सिलेक्ट करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट जो भी सिलेक्ट होगा वही होगा, और इस तरफ सिलेक्ट करेंगे तो जिसको भी ये टच करेगा उसको सिलेक्ट होगा, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो इससे कुछ सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट ये है, मतलब पूरा ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसके छोटे टुकड़े हुए सर्कल का, इस लाइन का, इसलिए ये इसमें सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के लिए और भी चीजें, जैसे कि ये सिलेक्ट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर नीचे फेंस डब्ल्यू पॉलीगॉन और सी पॉलीगॉन भी है। तो सबसे पहले मैं फेंस लूंगा, तो फेंस यानी एक लाइन है, ये लाइन जिसको भी टच करेगी उस सभी ऑब्जेक्ट को ये सिलेक्ट कर देगी। ये बहुत ही बेहतरीन है अगर कॉपी करने के लिए कहीं पर भी हमें कॉपी करना है, तो ताकि हम स्पेशली जो हम ऑब्जेक्ट चाहे हम उसी को ही सिलेक्ट कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। तो ये इतना बेहतर है, और इसके बाद हमें इसे एंटर कर देना है। तो हम जिस चीज को भी लाइन टच की है वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, ठीक है। फिर से यहाँ से सिलेक्ट स्टार्ट किया, अब मैं लेता हूँ डब्ल्यू पॉलीगॉन। यहाँ पर राइट लेफ्ट में जो भी ये कवर करेगा फूल उसी को ही ये सिलेक्ट करेगा। देखा, अगर ये उसको टच कर रहा है तभी इसको सिलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसको पूरा कवर करेगा ये पॉलीगॉन तभी वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। और एंटर। और उसके अलावा यहाँ पर दिया सी पॉलीगॉन, यहाँ पर ये सिर्फ टच करेगा ना, इवन देखो उसने सिलेक्ट कर लिया, चाहे उसको पूरा बाउंड्री ना भी मिले, ठीक है। तो इस तरह ये सिलेक्शन वर्क करता है बेसिक्स, और सबसे ज्यादा अच्छा मतलब सिचुएशन के हिसाब से रहता है। फैंस मैं रिकमेंड करता हूँ, वो वेरी बेस्ट, यानी सिर्फ लाइन को उस पर होवर करो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर एज पर सिचुएशन, ठीक है।